हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल साकिब खान। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस डीवीडी प्लेयर से आप अपने लैपटॉप में कैसे फाइल को कॉपी करें, उसके बाद अपने फ़ोन में मूवी कॉपी कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है, बहुत आसान सा तरीका है। बस आपको कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में ओपन करना है। ये देखिए कंप्यूटर में वो क्लिक करेंगे, करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर में अपने जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर डीवीडी यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने सही लगाया हुआ तो शो करेगा। उसके बाद इसको राइट क्लियर राइट से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद फाइल करंटली ऑन डिस्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जिस भी फाइल में आपको ट्रांसफ़र करना है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मैं वीडियो टीएफ से मैं पेश कर देता हूँ फाइल। तो मैंने पेश कर दिया। अब यहाँ पर देखिए पेस्ट होके यहाँ पर आ रहा है, बन गया कि पेस्ट हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा पेस्ट करने में। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया, पेस्ट हो रहा है। दोस्तों उसके बाद पेस्ट करने के बाद अपनी फाइल को ओपन करेंगे जिसमें आपने पेस्ट किया था। मैंने वीडियो टीएफ से पेस्ट किया था, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए फाइल हमारा आ गया है। ये देखिए ये मूवी आ गया है सब। तो इसको आपको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि जो फाइल मैंने कॉपी किया है। प्ले पे जाएंगे, प्ले करके दिखाएँगे। ये देखिए हमारा ये कॉपी हो चुका है। जीवन के सफर मेरा। अब इसको आपको अपने फ़ोन में कॉपी करना। अब यहाँ से आप अपने आप फ़ोन में आराम से कॉपी कर सकते हैं। बस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करके अपने फ़ोन में जाओ। जो भी आपका यहाँ पर फ़ोन आपका शो करेगा इसी फ़ोन में आप मतलब आप अपने फ़ोन में इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर कॉपी हो जाएगा। तो दोस्तों बताया ऐसा ही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।